हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, हम लोग निकल चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग दिल्ली से निकल रहे थे आगरा के लिए। तो हम लोग दिल्ली से आगरा के लिए निकल चुके हैं और भाई हम लोगों के साथ है और बच्चे भी लोग भी आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को निकलना था कल लखनऊ के लिए। कल जाना था लखनऊ वापस, तो हम लोगों ने सोचा चलिए आज फटाफट से पहले दिल्ली से घर पहुँचे, वहाँ से अपना लगेज लें, पैकिंग पूरी कम्प्लीट करें, फिर घर पहुँचे, क्योंकि बच्चों के स्कूल खुलने वाले थे और समय भी हो चुका था अपने घर वापस पहुँचने का। तो चिड़िया जो है उड़ रही थी, अब वो अपने घोंसलों में वापस जा रही हैं। वो वाला हाल हो जाता है लड़कियां जब मायके से वापस अपने ससुराल पहुँचती हैं। तो यहाँ पर भाई जो है हम लोगों को खाने के लिए बच्चों के लिए चॉकलेट्स वगैरह लाए थे, वही बच्चों को सब दे रहा था और भाई हम लोग के साथ आया था हम लोग को छोड़ने के लिए घर पर। और नेक्स्ट डे हम लोगों को लखनऊ के लिए निकलना था, क्योंकि बच्चों का काम जो है इनकम्प्लीट था, उनके प्रोजेक्ट वर्क जो है कंप्लीट नहीं हुए थे, मुझे कंप्लीट कराने थे। मेरे पास सिर्फ एक ही दिन था उनका प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट कराने के लिए। तो बस ये वीडियो मैंने छोटी सी वीडियो ली थी आप, उसके बाद की आगे की वीडियो मैंने लखनऊ में शूट की है और यहाँ मैं पहुँच चुकी हूँ। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ गाइस। तो बच्चों के समर वेकेशन जो है ख़त्म हो चुके हैं और माँ बाप का काम जो है बढ़ चुका है, क्योंकि स्कूल जो है ओपन होने वाले हैं। 1 जुलाई से बच्चों के स्कूल जो स्टार्ट हो जाएंगे और अभी बच्चों का जो है प्रोजेक्ट वर्क इनकम्प्लीट है, रिटर्न वर्क कम्प्लीट हो चुका है। तो यहाँ मेरी बिटिया रानी जो है वो प्री नर्सरी में, और आप लोग देख सकते हैं गाइस उसको कितना सारा वर्क मिला है। ये देखिए इसका प्रोजेक्ट वर्क है जो कम्प्लीट करना। मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है कि प्री नर्सरी का बच्चा क्या ही प्रोजेक्ट बना लेगा। तो ये प्रोजेक्ट जो है गार्जियंस को बनाने के लिए दिए गए हैं। तो आप लोग यहाँ नीचे देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने उसके प्रोजेक्ट बनाने के लिए कितने सारे चार्ट पेपर्स वगैरह मंगा रखे हैं। यहाँ मुझे उसके जो है प्रोजेक्ट बनाने हैं, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट बनाने के लिए उसको दिए गए हैं। ये देखिए गाइस, तो बस उसके प्रोजेक्ट बनाने हैं। मुझे उसका प्रोजेक्ट में कैटरपिलर वगैरह बनाना है, बटरफ्लाई बनानी है, हनी भी बनाना है, काफ़ी कुछ बनाने के लिए दिया गया है यहाँ पर उसको। मुझे इसका देखिए, ये देख सकते हैं ब्लैक एंड येलो उसमें दे रखा है। मुझे इसका हनी भी बना के तैयार करनी है और ये सब बना के कंप्लीट करना है। और वर्क इतना ज़्यादा हो जाता है कि बिल्कुल समझ नहीं आ सकता है। ये देखिए, सोचिए छोटा हिंदी बच्चा, प्री नर्सरी का बच्चा क्या ही कैटरपिलर बना लेगा, उसको कैटरपिलर बनाना है, और क्या छोटी प्री नर्सरी का बच्चा क्या ही हनी भी बना लेगा। ये सारी चीज़ें उसको बनानी है, तो वर्क इतना ज़्यादा हो गया है, समझ ही नहीं आ रहा क्या करूँ। तो मुझे ये वर्क कबड्डी थी, मैंने सोचा कि वीडियो में आप लोगों के लिए शेयर कर दूँ कि आप लोग भी परेशान हैं इसी तरीके से बच्चों का प्रोजेक्ट लेके। मैं तो भाई बड़ा परेशान हूँ सच में, मुझे समझ नहीं आ रहा है। बच्चे को या तो पढ़ाई लो या प्रोजेक्ट ही कंप्लीट करवा लो। तो मैं उसे कंप्लीट कर लूँगी, उसके बाद आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी कि मैंने उसके प्रोजेक्ट कैसे बनाया। पूरे नहीं, थोड़े ही सही, लेकिन बनाऊंगी ज़रूर। तो चलिए आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी कि मैंने उसके प्रोजेक्ट किस तरीके से बनाया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय गाइस। और यहाँ पर गाइस मैंने उसके दो प्रोजेक्ट बनाए थे। ये इसका मैथ का प्रोजेक्ट था, इसमें उसको हनी भी बनाना था विद नंबर्स के साथ 1 to 10। यहाँ मैंने 2 हनी भी बनाए थे नंबर्स के साथ 1 to 10, आप लोग देख सकते हैं गाइस। और बहुत ही प्यारे उसके दो प्रोजेक्ट्स बने थे। ये इसका मैथ का प्रोजेक्ट है और सेकंड मैंने हिंदी का बनाया था। और यहाँ पर उसका हिंदी का प्रोजेक्ट बना था तो उसके पापा उसकी पिक्चर्स निकाल रहे थे, तो उन्होंने भी प्रोजेक्ट बहुत प्यारे थे, उसमें मैंने बनाई थी। बहुत प्यारे हैं, आप लोग देख सकते हैं गाइस। मैं आप लोग को अभी दोनों प्रोजेक्ट दिखा देती हूँ। ये देखिए गाइस, यहाँ मैंने इसके स्वर उसमें लिखने थे आ से अंक तक, वो बना के पूरा चिपकाए हैं, बनाए हैं। और बच्चों के प्रोजेक्ट बनाते बनाते तो मुझे अपने बचपन की याद आ गई। हम लोग भी अपने प्रोजेक्ट इसी तरीके से सब कंप्लीट किया करते थे, लेकिन गाइस तब हम लोग जब कंप्लीट करते तब इतना टफ़ नहीं था हम लोगों के लिए सब कुछ करना, लेकिन अब तो बच्चे कम गार्जियंस ज़्यादा पूरे करते हैं। तो बच्चों के साथ साथ गार्जियंस का भी अच्छी खासी क्लास लग जाती है। तो हमारा तो बच्चों का हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट हो चुका है और नेक्स्ट डे बच्चों को स्कूल जाना है, क्योंकि 1 जुलाई है। तो आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय गाइस। ये शौर्य के प्रोजेक्ट्स हैं। तो यहाँ पर गाइस सर ने भी अपने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिए, क्योंकि कल इनका भी स्कूल है।